छात्रा से छेड़छाड़ के मामले पर कोच और पत्रकार राजकुमार यादव ने पुलिस महानिरीक्षक और पुलिस अधीक्षक से लगाई निष्पक्ष जांच की गुहार। जबलपुर में ताइक्वांडो प्रशिक्षक मनोज पेड़िया के बहकावे में ताइक्वांडो खिलाड़ी द्वारा अपने ही पूर्व प्रशिक्षक राजकुमार यादव शिवानी बेन पर 8 महीने बाद छेड़खानी और मारपीट का सिटी कोट वाले थाना जबलपुर में दर्ज झूठे प्रकरण की निष्पक्ष जांच हेतु मानव क्रीड़ा और कला एकेडमी ऑफ इंडिया और एमपी बुकिंग जर्नलिस्ट यूनियन जबलपुर ने पुलिस महानिरीक्षक और पुलिस अधीक्षक को सौंपा ज्ञापन। मानव क्रीड़ा और कला एकेडमी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष गुड्डू नवी और मध्य प्रदेश कबड्डी संघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष शानू यादव ने बताया कि राजकुमार यादव विगत 26 वर्षों से खिलाड़ियों को आत्मरक्षा मार्शल आर्ट ताइक्वांडो का प्रशिक्षण देकर खिलाड़ियों को राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में ले जाकर मध्य प्रदेश टीम के कोच के रूप में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, परंतु विगत दिनों ताइक्वांडो प्रशिक्षक मनोज पेड़िया खमरिया में टेक्नीशियन पद पर कार्यरत ने षड्यंत्र रचते हुए ताइक्वांडो राजकुमार यादव और शिवानी बने पर छेड़छाड़ और मारपीट का झूठा प्रकरण दर्ज कराकर राजकुमार यादव और शिवानी बेन की छवि को समाज में धूमिल किया गया है। राजकुमार यादव और शिवानी बेन पर ताइक्वांडो खिलाड़ी द्वारा सिटी कोतवाली थाना में दर्ज झूठे प्रकरण के निष्पक्ष जांच हेतु मानव क्रीड़ा और कला एकेडमी और एमपी वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन के समस्त पदाधिकारियों, सभी खिलाड़ियों और समाज सेवियों के द्वारा पुलिस महानिरीक्षक और पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन सौंपते समय सभी पत्रकार और मौजूद रहे। आज एक प्रतिनिधिमंडल जरूर आया था जिन्होंने प्रतिवेदित किया था कि थाना कोतवाली में एक 354, 506, 509 एवं अन्य धाराओं में एक मामला कायम हुआ है और इसमें निष्पक्ष जांच की मांग की गई थी और ये कहा गया था कि जैसा कि प्रतिनिधिमंडल का कहना था कि इसमें जो तथ्य हैं FIR में वो सही नहीं है, तो हमने उनको जाँच का आश्वासन दिया है और जाँच उपरांत कार्रवाई की। आज मानव क्रीड़ा कला अकेडमी के द्वारा एवं MP वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन के द्वारा ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है कि ताइक्वांडो प्रशिक्षक श्री यादव के विरुद्ध में इनकी छात्रा को बहला फुसलाकर इनके पूर्व प्रतिद्वंदी प्रशिक्षक क्या नाम मनोज के द्वारा शिकायत कराई गई है, जिस पर से कोतवाली पुलिस ने प्रकरण पंजीबद्ध कर न्यायालय पेश किया है। इनको इससे व्यथित होकर इन्होंने आज एक ज्ञापन के माध्यम से अपनी व्यथा व्यक्त की है, जिसकी हम प्रॉपर जाँच कराएंगे। जाँच के बाद प्रतिवेदन भेजा जाएगा न्यायालय में, जो उचित समझेगी कार्रवाई सर के ऊपर कार्रवाई कर दिए और सीधा हमको जेल पहुंचा दिए, जिससे मेरे पूरे समाज में, पूरे क्षेत्र में, पूरे शहर में मेरी छवि में बहुत धूल पड़ी, क्योंकि मैं एक पत्रकारिता जगत से भी जुड़ा हुआ व्यक्ति हूं और विगत 2500 साल से मैं मार्शल आर्ट खेल जगत से जुड़ा हुआ हूं और कई कॉलेज और स्कूलों, छात्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में हम लोगों ने बहुत सेवाएँ दी हैं। सरकारी योजना का फ़ायदा भी बच्चों को मैंने जैसा हो सका दिलाने की पूरा प्रयासरत रहा, लेकिन आज तक हम लोगों ने ऐसे कोई भी घिनौनी हरकतें नहीं की जिस तरह से ये षड्यंत्र रच के मनोज बेलिया और साक्षी बेनी ने हम लोग को फंसाया है। आपके साथ साथ आपकी छात्रा शिवानी बहन के ऊपर भी कोई FIR है क्या? हाँ, उनके साथ भी FIR, उन्होंने भी छेड़खानी की, उन्होंने भी मारपीट की, गाली गलौज की, उनके ऊपर भी लगाया गया। तो इस पर मुझे मनोज बेलिया और साक्षी जायसवाल दोनों ने धमकी दी कि हम तुम्हारे खिलाफ जाकर कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज करेंगे, और इन्होंने ये किया भी। इन्होंने कोतवाली थाना के जो TI हैं उनके साथ मिलकर षड्यंत्र रचकर मेरे खिलाफ FIR दर्ज की। आपके मनोज, आपके राजकुमार सर पे जो आरोप लगे हैं, क्या वो आपको क्या कहना चाहती हूँ? ये जो आरोप ये लगा रही है लड़की, बिल्कुल गलत आरोप है। मैं बहुत छोटी सी थी, सिर्फ 15 साल की थी, तब से मैं मेरे सर राजकुमार यादव सर के साथ जुड़ी हुई हूँ। इन्होंने कभी भी किसी लड़की की तरफ ऐसी नज़रें और ऐसी आंखों से उठाकर नहीं देखा है। हमारा जो मार्शल आर्ट खेल है उसका नारा ही यही है कि बेटी को बचाओ और बेटी को आत्मरक्षा के गुण सिखाओ। ये नारा धूमिल हो रहा है और ऐसी लड़कियां ही इस नारे को धूमिल कर रही हैं, जो बहुत ही गलत बात है। अपना नाम? मैं शिवानी बेन, मार्शल आर्ट प्रशिक्षिका। धन्यवाद। अपडेट मीडिया के लिए जबलपुर से नरेंद्र कुमार की रिपोर्ट।